दोस्तों बहुत सारे स्विमिंग वाले खिलाड़ी मेरे पास आते हैं, ख़ास तौर से हम अगर उनकी इंजरीज़ की बात करें तो उनके कंधे में काफ़ी परेशानी रहती है। स्विमिंग के अंदर कंधे में इंजरी क्यों होती है? क्योंकि हमारे सारे स्ट्रोक इस तरह के फ्रंट के होते हैं, स्विमिंग हमेशा फ्रंट के स्ट्रोक के साथ की जाती है। तो हमारे कंधे के इंटरनल रोटेटर्स और हमारी चेस्ट की आगे वाली मसल ज़्यादा डेवलप हो जाती है। मेरे कंधे के पोस्टीरियर रोटेटर्स और अपर बैक कम डेवलप रहता है स्विमर्स के अंदर। उसके अलावा स्विमर्स के अंदर पोस्टीरियर कैप्सूल जो शोल्डर का होता है वो टाइट हो जाता है, इस वजह से शोल्डर में इम्बेलेंस हो जाता है और आपको शोल्डर में इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि इम्पिंजमेंट हुआ, रोटेटर कफ टियर हुआ। इसी तरह से स्विमर्स के अंदर अलग अलग तरह की किक्स होती है लेग्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके नी में भी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन इंजरीज से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो एक्सरसाइजेज करने से आपके स्विमिंग की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी और आपको स्विमिंग में होने वाली इंजरीज से राहत मिलेगी। अगर ये एक्सरसाइजेज आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको स्विमिंग में होने वाली इंजरीज नहीं होंगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखा दोस्तों, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हमने स्विमिंग के पोज में करी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेज करते हैं उस गेम के पोज के अंदर तभी हमें इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज का सही
लाभ मिलता है। अगर आप ये एक्सरसाइज नियमित रूप से कर रहे हैं तो आपको स्विमिंग करते समय इंजरीज कम होगी। फिर भी अगर आपको स्विमिंग करते समय इंजरी हो जाती है तो आप पेन को ज़्यादा लंबे समय मत खींचिए, आप हमें संपर्क करें और हम आपको बेहतर ट्रीटमेंट देंगे।